अंजलि किचन कुक में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बना के लाई हूँ मालपुए। देखिए कितने यम्मी मालपुए मैंने बनाए हैं। हर साइज़ में मैंने आपको बना के दिखाया, ये बड़ा साइज़, ये उससे छोटा साइज़, ये उससे छोटा साइज़, अब किसी भी साइज़ में आप बना सकते हैं, मैंने उस तरह से आपको बताया है। तो ये आटे का मालपुआ है, काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी यम्मी है, हेल्दी मालपुआ है, ये कुछ ख़राबी भी नहीं करता, हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। हम फेस्टिवल में तो इसे बनाते हैं, होली आ रही है उसमें भी हम बनाते हैं, तो काफ़ी यम्मी रेसिपी है। अगर आपको ये देखना है मैंने कैसे बनाया, तो चलिए देखते हैं। ये बनाने जा रहे हैं आटे का मालपुआ। आटे का मालपुआ बनाने के लिए यहाँ पे आप देखिए मैंने 100 ग्राम आटा लिया हुआ है, एक बाउल। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने देखिए एक बर्तन भी लिया हुआ है, इस बर्तन में इस आटे को हम पहले डाल देंगे। यहाँ पर आप देखिए मैंने क्रीम वाली दूध ली हुई है, यह मिल्क जो हमने लिया ना जिसमें काफ़ी मलाई आप देख सकते हैं। इस दूध से हम अब इस आटे में धीरे धीरे डालेंगे, जो दूध डाला है ना वो क्रीमी होना चाहिए, इससे क्या होता है कि मालपुआ काफ़ी अच्छा बनता है। इस तरह से धीरे धीरे हम दूध डालेंगे, एक साथ में मैं दूध नहीं डालना है नहीं तो काफ़ी लम्स पड़ जाएंगे। धीरे धीरे करके हम दूध डाल के इसे इस तरह से लगातार फेंटते रहेंगे। देखिए इस तरह से हम दूध डाल देंगे और इसे लगातार हम 10 से 15 मिनट इस तरह से इसे चलाते रहें, कोई भी लम्स ना रहे इसमें और ये काफ़ी स्मूथ घोल बने। इस तरह से देखिए लगातार हम इसे चलाते रहेंगे। हम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इलायची पाउडर को भी अच्छे से मिला लेंगे। हमने इलायची को भी अच्छे से मिला लिया। मैं आपको घोल को दिखाती हूँ, देखिए कितना स्मूथ घोल बना, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप देख सकते होंगे, देखिए एक भी लम्स है इसमें, बिल्कुल भी लम्स नहीं है। इस तरह का घोल हमें इस तरह का बनाना है। फ्राइंग पैन लिया हुआ है, इसमें हम सबसे पहले चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1/2 कप चीनी डाली है, 2 कप पानी डालेंगे और चीनी को गलाएंगे। याद रखना है कि हमने जो चाशनी जो बना रहे हैं ना, खाली हमें चीनी गलानी है। चाशनी हल्की चपचपी होनी चाहिए, इसमें तार हम नहीं देखते हैं, इसमें तार देखने का कुछ नहीं होता। बस आप चेक कर लीजिएगा चीनी चटचट कर रही हो तो समझ जाइएगा आपकी चाशनी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाला है। अब इसमें हम थोड़ी सी केसर भी डालेंगे फ्लेवर के लिए। फिर से इसे हम चलाएँगे कि हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। ये चप चप करने लगी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं तार नहीं देखना, बस इस तरह से देखना, देखिए चिट करने लग गई है, इसका मतलब हमारी चाशनी रेडी है। अब हम गैस के फ्लेम को क्या करेंगे, बंद कर देंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया हुआ है जिसमें मैंने घी यूज़ किया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने घोल रेडी किया था ना, देखिए घोल, अब इसमें हम ये घोल को डालेंगे। याद रखना है, एक बार हमें गैस की फ्लेम को लो मीडियम में रखना है, हाई में नहीं रखना अभी। बस इस तरह से धीरे से हम एक जगह पर इस घोल को डालेंगे। देखिए हमने पुआ को डाल दिया इसमें, देखिए कितना सुंदर यह बना है। मैंने मीडियम साइज में इसे डाला हुआ है। अब जब यह ऊपर की ओर हल्का सा इसमें कलर चेंज होगा ना, तब इसे हम फिर पलटेंगे। देखिए हमारा एक साइड में हल्का लाल हो गया, इसे हम पलट देंगे इस तरह से और उस साइड भी हम इसे सेकेंगे। देखिए हमारा मालपुआ कितना सुंदर कलर आया है इसका। इसे अब हम, यह रेडी हो चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से हम फिर दूसरा मालपुआ भी इसमें डालेंगे। आप साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा डाल सकते हैं, मैं मीडियम साइज़ में बना रही हूँ इसे। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे भी हम पलट देंगे इस तरह से। अब इस वाले को भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं आपको थोड़े बड़े साइज़ के बताने वाली हूँ। देखिए ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है, वो तो मैंने आपको मीडियम साइज़ का बताया था, ये मैं आप बड़ा साइज़ का आपको दिखा रही हूँ बना के। देखिए हमारा ये वाला मालपुआ भी देखिए रेडी हो चुका है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। मैं आपको सबसे बड़े साइज का मालपुआ बताने वाली हूँ। देखिए मैं यह इसलिए आपको बता रही हूँ ना, इससे मैं बता सकती हूँ कि आप जितना भी चाहें इस मेथड से आप बड़े छोटा हर साइज का मालपुआ बना सकते हैं। अब इसे भी हम फिर से पलट देंगे। देखिए हमारे यह मालपुआ भी रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो हमने चाशनी ली थी ना, इस चाशनी में इसे हम डुबा देंगे इस तरह से। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया ना। इस तरह से हम सारे जितने भी हमने मालपुए बनाए थे ना, वो सब चाशनी में अच्छे से डुबा देंगे और फिर से निकाल लेंगे।
देखिए हमारे मालपुआ बनके रेडी हो चुके हैं आटे के। मैंने आपको हर साइज़ का बताया, आप देख सकते हैं। देखिए ये सबसे बड़ा साइज़ है जो मैंने बनाया है, ये उससे हल्से छोटा साइज़ है, ये इससे छोटा साइज़ है, और ये सबसे मिनी साइज़ है। इस तरह से मैंने सारे साइज़ में आपको बताया कि हम किस तरह से आटे का मालपुआ सभी साइज़ों में बना सकते हैं। काफ़ी टेस्टी, आप रंग देख के समझ सकते होंगे कि ये काफ़ी अच्छा बना है। इस तरह से हम क्या करेंगे, फिर सब में आप इस तरह से पिस्ता की गार्निश कर सकते हैं। ऊपर से आप पिस्ता डाल दीजिए, अगर आप चाहो तो इसके ऊपर से कटिंग किए हुए चॉप्ड किए हुए बादाम भी डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए तो काफ़ी यमी लग रहा है ना देखने में, ये कितना सुंदर बना है। जितना सुंदर है ये खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है, मार्केट से भी अच्छा बनाया। इस तरह से इसे हम ऊपर से पिस्ता भी डाल के गार्निश कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इससे, देखने में भी काफ़ी लुक अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप कोई भी फेस्टिवल में या मालपुआ बना सकते हो। और एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट कितना अच्छा बना। देखिए इस तरह से देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा बना है, काफ़ी सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाला बना है यह मालपुआ। इस तरह से आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो मालपुआ वाला, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है कि ये किस तरह से बना सकते हैं बताया है। क्योंकि फेस्टिवल में ये हम बनाते हैं, होली आ रही है, होली में भी इसे हम बनाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।